आंटी बता रही थी ओखल बोलते हैं इससे ना, मतलब एक पहाड़ी डिश होती है, मतलब एक पहाड़ी पकौड़ी होती है शादियों में बनती है, जिसे बोलते हैं अरसे, चावल का गुड़ है और ऑर्गेनिक है। किससे बनती है कुछ बता दो। अच्छा, देसी गाय के ऊपर से पहाड़ी नमक होता है ना, एक पहाड़ी। सो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइज, आज जा रहे हैं हम हमारे राजभवन की साइड, वहाँ पे लग रहा है एक मतलब फ्लावर एग्जीबिशन लग रहा है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम भी देखेंगे भाई कौन कौन सी फ्लावर की वैरायटी है। हमारे पहाड़ के बहुत सारे फ्लावर्स की वैरायटी आने वाली है, पर पहाड़ की दाल वगैरह बहुत चीज़ें हैं। शायद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति उससे एक्सप्लोर और ज़्यादा फैले, ये चाहता हूँ मैं। चले राजभवन की साइड और यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन लगाया। पहले ट्रैफिक ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पुलिस भाई लोग भी खड़े हो रखे हैं देखो, और इधर भी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो चलते हैं, अब हम थक गए हैं बैठे बैठे, समय बहुत, अभी तक अंदर नहीं जा पाए, अंदर देखते हैं कब तक जा पाएंगे। समय देख लो भाई, एक बज गया, सुबह से आ रखे हैं, पासेज भी नहीं बन रहे, पासेज बंद कर दिए उन्होंने, एक बजे ही जा पाएंगे, थोड़ा वेट कर रहे हैं भाई, आधा एक घंटा हो गया बैठे बैठे। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर से कर देना दोस्तों। देखो भीड़ ही भीड़ है, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और समय देखो भाई काफ़ी टाइम समय खड़े हो रखे हैं, हो गया है समय निकलने का। देखो अब चल रही है भीड़ यहाँ से, हमारे साथ हमारे भाई भी जुड़ चुके हैं, पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई यहाँ पे, खतरनाक क्या सीन है भाई, अलाउड है कुछ थोड़ी, हमारा गलत थोड़ी हमारे पास, ठीक है। तो भाई फेमस जा रहे हैं, चेकिंग वगैरह हमने करवा ली है, चेकिंग पॉइंट हमारा हो रहा, सर ने हमारी चेकिंग कर ली है, बैग वगैरह में तो कुछ अभी गरीब है हम, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। अभी सभी जगह घूमने वाले हैं यार हम, यहाँ इसलिए आ रखे हैं पूरा व्लॉग शूट करने के लिए, सीधा पहाड़ से सब कुछ देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी हमारे क्या राजभवन में राजभवन हो रहा है वसंत उत्सव मेला, और अभी हम राजभवन के पास हैं जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, और यहाँ पे फूल है अलग अलग वैरायटी के, आप देखो इधर आके आपको पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे फूल्स हैं, और फूल के स्टॉल पूरे के पूरे अभी आपको पूरा दिखाएंगे प्रॉपर। तो चलो मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें हमारे उत्तराखंड में है, फ्लावर के साथ बहुत सारी हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति वाली चीज़ है ना वो भी होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारा इवेंट्स भी चल रहे हैं जैसे कि आप देख ही रहोगे, बच्चे वहाँ पे सेल्फ टिप्स वगैरह मतलब लड़के दिखा रहे हैं आपको कैसे सेल्फ डिफेंस होता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब पूरा मेला सा है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग एग्जीबिशन लगे हैं अलग अलग लोगों ने, जैसे कि आप देखो उत्तराखंड की दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो अपने देश के लिए ना बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है, जो मुझे सुनकर बहुत मजा आता है। ये वंदे मातरम गा रहे हैं भाई लोग अपने, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ना। अभी हम बोसिन गार्डन में जा रहे हैं, यहाँ पे इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ आपको, और गाइस काफी अच्छा लग रहा है देखने में ना, और काफी अच्छा यहाँ पे ग्राउंड भी है, यहाँ अलग अलग वैरायटी के ये भी पौधे हैं, तो आपको दिखाने के लिए आ रखा था यहाँ पे ना जरा, कि प्रॉपर दिखा पाऊँ आपको, एक्सप्लोर करें भाई अपने। और ये ना ये रियल घास नहीं है, मैट से हैं, और काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे ना अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे हैं, और इनकी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, ये छोटी हाइट की है, और काफ़ी अच्छे यूनिक है ये, क्योंकि ये काइंड ऑफ हाइब्रिड टाइप के पेड़ होते हैं, इनको मैन मेड बनाया जाता है जहाँ तक मुझे पता चला है। तो भाई यही था दिखा रहा हूँ, काफ़ी सही है अलग अलग पेड़ वैरायटी है, ठीक है, और इनकी एज भी लिखी है इनके साथ, तो काफ़ी अच्छा सीन है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो समझ जाओगे। अभी आ रखे हैं ये हमारे किसी के उपकरण है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ठीक है, और आगे दिखाएगा आपको, आगे वुडन का है, ये कपड़े भी सही लग रहे हैं वैसे, अरे वुडन के सोफे वगैरह तो बढ़िया लग रहे हैं ये तगड़े, ये प्रॉपर प्योर वुडन से ही है भैया, नहीं ये बैम्बू से है, बैम्बू वाले से, अच्छा 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 यार बढ़िया लग रहा है जी। ओके बिकने के लिए होगा, कितने का पड़ता होगा सेट ये? 35,000। अच्छा फुल ये फुल सेटअप जी, ओके सही है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ये मटेरियल्स आप देख ही पा रहे हो, अब देख लो पढ़ लो पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा ये बांस से ही बना है, मतलब ये उस सर में पूरा बड़ा बढ़िया सीन है यार, मतलब ना यहाँ पे एग्जीबिशन लगा दो प्रॉपर। यहाँ पे लोग आ रहे हैं मतलब कपल्स लोग, यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया फूल का ही बना हुआ ये काइंड ऑफ, काफ़ी सही लग रहा है दिखने में। अभी हम फ्लावर एग्जीबिशन में आ रखे हैं, यहाँ पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, पहले आपको फ्लावर्स एग्जीबिशन दिखा देता हूँ प्रॉपर। गाइस यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर हैं जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, जो हमारा उत्तराखंड का मतलब फेमस फूल जैसे बोलते हो आप, ठीक है, इस मैरीगोल्ड, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं गेंदे का फूल, और काफ़ी सही है, और अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, तो काफ़ी सही है। यहाँ फूल पूरा एग्जीबिशन लगाया है, बढ़िया तगड़ा एग्जीबिशन जैसे बोलते हैं ना फ्लावर एग्जीबिशन, यहाँ पे लगाया पूरा तगड़ा एग्जीबिशन लगाया यार, लुक एक तरफा आ रहा है, मतलब व्यू बहुत प्यारा है और तगड़ा है बिल्कुल। और देखने के बाद ये थी, ये है हमारी एग्जॉटिक प्लांट नर्सरी, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, मतलब नर्सरी है ना तो अलग अलग प्रकार के कैक्टस भी अलग प्रकार के हैं,
तो काफ़ी अलग सीन है, प्रॉपर पूरी है यहाँ पे, यहाँ पे शहद वाले के पास। और ये देखो मधुमक्खी देखो कितनी खतरनाक लग रही है यार, ये ना ये काट भी सकती है आपको और शहद बनाती है। कैसे प्रोसेस होता है ये, प्रोसेस है आपके सामने देखो, ये हमारी खूबसूरत सी मधुमक्खी है। ये जी अचार है, काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये देख रहे हो आप अचार का सीन पूरा बढ़िया लग रहा है, दिखने में कितना बढ़िया। और ये हमारी गाइस आंटी बता रही थी ओखल बोलते हैं इससे ना, मतलब एक पहाड़ी डिश होती है, मतलब एक पहाड़ी पकौड़ी होती है शादियों में बनती है, जिसे बोलते हैं अरसे, चावल को कूट के बनाते हैं और इसका यूज़ किया जाता है इसमें, है ना आंटी जी, सही बात है। आप खुद ही बनाते हो सारा? खुद ही बनाते हैं। कहाँ आप हो, कहाँ के वैसे? वही देख रहे हो आप, तो वो दिखाना मेन था, वो दिखाने आया मैं, आंटी ने बताया मुझे, अभी खूबसूरत लग रहा है ये ना, काफ़ी बड़ा है। और देखो क्या बढ़िया लग रहा है, बुज्जी हमारे कृष्ण भगवान, ठीक है वो काफ़ी बढ़िया है, ये हमारे कृष्ण भगवान की क्या खूबसूरत है, लाफिंग बुद्धा, ये कम कम कैट, गणेश जी हमारे, मोर, तो काफ़ी सही लग रहा है यार। हेलो अंकल जी, ये आप ही बनाते हो आर्ट? काफ़ी तगड़ी लग रही है, देखो अंकल ने ना क्या बढ़िया आर्ट बनाई है, सारी की सारी स्टोन से है भाई, पर बहुत बढ़िया लग रही है यार देखने में ना, काफ़ी तगड़ा लुक लग रहा है इसका, मेहनत लगती है इन चीज़ों में ना, और आर्ट भी चाहिए आपको, पर आपको क्या बोले क्रिएटिव होना पड़ेगा तभी जाके आप बना पाओगे ऐसी आर्ट्स को। काफ़ी तगड़ी लग रही है यार देखो, ये गांधी जी की आर्ट पत्थर ही पत्थर से, काफ़ी सही लग रही है यार, बहुत तगड़ा बना रहा है अंकल जी ने, अच्छा है यार। हेलो अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार, ये ऑर्गेनिक धूप है और ऑर्गेनिक है, किससे बनती है कुछ बता सकते? अच्छा, देसी गाय के गोबर से। जैसे हमारी आजकल की जो धूपबत्ती बन रही है ना वो केमिकल से बन रही है, तो ये ऑर्गेनिक है, काइंड ऑफ देसी गाय गोबर से बोल रहे हैं। अब इसमें कुछ मिलाते भी होंगे बट ये मतलब आप बोल सकते हो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, जिस लेवल से आपको पता है आजकल जो केमिकल वाली जो धूपबत्ती और अगरबत्ती मिलती है वो केमिकल वाली रहती है, तो वो हार्मफुल रहती है हमारी सेहत के लिए, हम चला के अपने कमरे में बहुत ज़्यादा जला के छोड़ देते हैं। ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, ये ऑर्गेनिक होती है। जो बराज का रस है, ठीक है, ये आंवले का है, ये माल्टे का है, तो उत्तराखंड में गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पिया जाता है दबा के, और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है भाई उससे, क्योंकि जो कार्बोनेटेड सोडा रहता है ना वो चीनी बहुत ज़्यादा रहती है कोल्ड ड्रिंक में, तो आप इनको पी सकते हो, नेचुरल ड्रिंक है उत्तराखंड की और काफ़ी बढ़िया रहती है। आप माल्टे ये क्या बोलते माल्टे का रस पी सकते हो, बराज का पी सकते हो एंड हमारा आंवले का पी सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भी दिखाना था आपको इसलिए आ रखा था यहाँ पर। और ये लीची का भी है, ये भी आप पी सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो भाई ये नाल बड़ी है, जिसको नहीं पता तो बताता हूँ, जैसे पिंडालू वो आपने देखा होगा ना पतूड़ खाया होगा, तो उसमें ये लगाते हैं दाल और इसको बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है खाने में। और ये है हमारी हल्दी, ये उत्तराखंड की चीज़ है, इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी था यार, हमें अपनी उत्तराखंड की चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। ये मुझे लग रहा है अरसे है, अरसे है कि बिस्कुटे वाला है यार, ये पहाड़ी वाला जो भी है। और ये पहाड़ी दाल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के, ये तेज पत्ता पहाड़ी, पहाड़ी नमक ये होता है ना, ये पहाड़ी नमक आंटी जी बता रही है। हम आ चुके हैं, हमारे वसंत ऋतु का उत्सव हो रहा था, वहाँ से आ चुके हैं, फ्लावर एग्जीबिशन दिखा दिया, उत्तराखंड की जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो दिखा दी है। तो गाइस एग्जीबिशन वगैरह तो हमने देख लिया, अब चलना है घर को। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आ रहे थे वहाँ पे, और ये एग्जीबिशन की डेट थी 3 मार्च से 5 मार्च तक है, तो आप लोग भी आ सकते हो भाई, ठीक है। और काफ़ी अच्छा था भाई, ऐसे फैंस मिलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तुमने ऑन करा हुआ था? हाँ।